ना क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 14% कैन डू ए पीसेस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 14 व्यक्ति हैं जो कि किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क, 5 दिनों के पश्चात जो 6 वर्कर्स होते हैं लेफ्ट अ जॉब, यानी कि जो 6 कर्मचारी होते हैं, श्रमिक होते हैं, वो जॉब को यानी कि नौकरी को छोड़ देते हैं एंड ज्वाइन बैक एट द लास्ट डे ऑफ द वर्क, और काम के अंतिम दिन वो ज्वाइन कर जाते हैं। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, यानी कि कितने दिन में जो कार्य है वो कंप्लीट होगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिया गया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 14 व्यक्ति है, किसी कार्य को करते हैं 18 दिन में। यहाँ पर एफिशिएंसी का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम मान लेते हैं कि सारे लोगों की एफिशिएंसी है जो सेम है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकल के आ जाएगा हमारा कितना। अगर 14 में हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क हमारा निकल के आएगा 252। कितना निकल के आएगा, 252। अब नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आफ्टर अ 5 डेज ऑफ वर्क, यानी कि 5 दिनों वर्क करने के पश्चात, यानी कि 5 दिनों के कार्यों के बाद, 6 श्रमिक जो होते हैं, जो 6 वर्कर होते हैं, वो नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि जॉब छोड़कर अपनी चले जाते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्य हुआ, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क। तो सबसे पहले जो 5 दिनों तक कार्य है ये 14 वर्कर के द्वारा किया जाएगा, तो इंटू 5 करेंगे तो यानी कि टोटल 5 दिनों तक जो है 70 काम हो चुका था। 5 दिनों तक 70 काम हो चुका था और 6 श्रमिक का मन जो है बदल गया। वो बोले कि भाई हम अभी काम नहीं करेंगे, हम अंतिम दिन काम में वापस जुड़ेंगे। तो यहाँ पर 70 को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा काम कितना बचा, 182 जो है हमारा रिमेनिंग वर्क बचा, 182 हमारा रिमेनिंग वर्क जो है 182 बचा। और कर्मचारी कितने बचे, कर्मचारी कितने बचे, 14 कर्मचारी थे और इसमें से 8 छोड़कर चले चले गए, तो कर्मचारी कितने बचे, 8 कर्मचारी हमारे पास बचे। अगर ये 8 कर्मचारी कार्य को करते तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता, 22 समथिंग डेज में समाप्त होता, और पहले से 5 दिन इन्होंने कार्य किया है तो टोटल वर्क जो है 27 समथिंग में ये समाप्त होता है, यानी कि मान के लिए 27 या 28 दिन में कार्य को समाप्त होता है। लेकिन हुआ कि यहाँ पर उल्टा ही, यानी कि 6 जो श्रमिक कार्य छोड़ के गए हुए थे उन्होंने क्या किया कि ज्वाइन किया, तो जाहिर सी बात है कि जो कार्य है कुछ दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से जो है बी ऑप्शन तो होगा नहीं, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, अब यहाँ से ई ऑप्शन भी हो सकता है और डी ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि इतना कम दिन तो कार्य होगा नहीं। तो अब यहाँ पर ये देखिए, मान लेते हैं कि एफिशिएंसी हमने मान के रखा है कि 14 व्यक्ति का सेम एफिशिएंसी है, तो हम यहाँ से 14 को माइनस कर देते हैं। जब 14 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 8, यहाँ पर बच जाएगा आपका 6 और यहाँ पर बच जाएगा 1। अब 168 जो है रिमेनिंग वर्क है और ये करेंगे कितने, 8 व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 21 दिन में। 8 व्यक्ति के द्वारा 21 दिन में रिमेनिंग वर्क को किया जाएगा, कितने दिन में, 21 दिन में कार्य को किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर कार्य कितने हुआ, 21 प्लस 5 बराबर 26 दिन तक कार्य बचा। और हमने 14 काम को यहाँ पर माइनस किया है, 14 काम को माइनस किया है क्योंकि एफिशिएंसी जो है हमारा वो सेम है 14 व्यक्तियों की। तो जो लास्ट दिन आएंगे, लास्ट में 6 व्यक्ति जुड़ जाएंगे, तो 14 काम को 14 व्यक्ति एक दिन में पूरा करेंगे, तो +1 यानी कि जो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा वो 27 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।